He was a stand-up comedian. He is a stand-up comedian and one of my favorite contenders. And I like MC also, MC Stan. Great chances of winning the title. कैसे ज़िंदगी में सही और गलत की पहचान करें? I loved each and every scene of Rajkumar Yadav in the show. Super and watching me on Telechaska. Thank you. हेलो पीपल, वेलकम टू टेलीचस्का। आज हमारे साथ है धीरज। धीरज कैसे हैं आप? पहले तो गुड यार, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। सो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि राजकुमार यादव बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, फनी, वेटी, कैसी रही आपके लिए पहले तो ये सब? यार, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स टू प्ले ऑन टेलीविजन। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया राजकुमार प्ले करने में। यू नो ही वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। एंड दो द जर्नी वॉज शॉर्ट, बट आई लव्ड ईच एंड एवरी सीन ऑफ राजकुमार यादव इन द शो। मुझे बहुत मज़ा आया। हमने शुरू से कहा था कि इट्स अ फाइनाइट शो, और जो कहानी थी इट्स अ वेरी न्यू एज शो, थोड़ा वेब स्पेस का शो था। और सबसे अच्छी बात है कि छोटे समय में हमने ऑडियंस के दिलों तक का कनेक्शन बनाया। यू नो द काइंड ऑफ फीडबैक वी गॉट फॉर राजकुमार यादव एंड द शो वॉज ग्रेट, ट्रेमेंडस। आई मीन एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड एवरीथिंग अबाउट द शो। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि शो में जो कुछ मोमेंट्स होते हैं, जो कभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ऑफकोर्स आपके लिए भी रहे होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाते, तो आपके लिए कौन से ये दो मोमेंट्स थे? यार, मुझे ऐसा लगता है कि सैड मोमेंट तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सैड हूँ, यू नो, बट when I used to perform as Rajkumar Yadav, I mean as a stand-up comedian on the stage, I think those scenes were, I loved those scenes. मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। तो स्टेज पर खड़े होकर लोगों का मनोरंजन करना, उनको हंसाना, I mean that was great for me. I loved those scenes. ओके, इसी के साथ यू नो फाइनाइट सीरीज जैसा कि आपने कहा, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि इस मतलब इतनी जल्दी एंड हो सकता है? नहीं यार, ऐसा किसी को पता नहीं होता, यू नो हाउ, बट वही मैंने कहा कि हर शो की एक किस्मत होती है। शो मैंने कहा कि बहुत कम समय के लिए था, लेकिन दर्शकों के दिलों तक जगह बनाई हम लोगों ने। आई थिंक ऑडियंस लव्ड अस, एंड एज आई सेड इट वाज अ वेरी डिफरेंट शो। इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर टू प्ले, एंड जितना भी था बहुत मज़ा आया मुझे और लोगों से बेशुमार प्यार मिला। ओके, आए दिन आप ट्रेंडिंग रहते, वीडियो मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा फैंस शेयर करते रहते, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा यार, गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मैं ज़िंदगी में इस मुकाम पे हूँ कि आप सबका इतना प्यार मिलता है मुझे, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ बिकॉज आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे। ये जर्नी थोड़ी सी छोटी थी, बट दुख किसी बात का नहीं है। वी आर सुपर हैप्पी कि मैंने इस कम समय में भी एज राजकुमार यादव आप लोगों के दिलों में जगह बनाई। बस यही है कि इंतज़ार कीजिए, देखते हैं कि नेक्स्ट कहाँ मुलाकात होती है। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि राजकुमार यादव से आपने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ लर्निंग्स लेकर जा रहे हैं अपने साथ? यार, राजकुमार यादव से अगर मैंने सीखा है तो मैं ये कहूँगा कि हाउ टू बी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशंस, और कैसे ज़िंदगी में सही और गलत की पहचान करें, और यू नो जो चीज़ आपको खुश करती है वो ज़रूर करें। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट लेसन आई हैव लर्न्ड फ्रॉम राजकुमार। ओके, इसी के साथ रियलिटी शोज़ की अगर बात करें, तो आगे चलकर क्या आप किसी रियलिटी शो का पार्ट? डेफिनेटली, नेवर से नेवर, आई मीन व्हाई नॉट, आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ द रियलिटी शोज, बट यही है कि हर चीज़ का एक समय होता है। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे, इतने बिजी शेड्यूल था आपका अभी तक? नहीं यार, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा, मेरे को थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो मैं घर जाके देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं फॉलो नहीं कर रहा। ओके, फेवरेट्स की बात करें, जितना भी जो भी क्लिपिंग्स आपने देखी उसमें से कौन है? अगर प्रियंका इज, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, प्रियंका इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेंडर्स, एंड आई लाइक एमसी आल्सो, एमसी स्टैन, एंड एमसी स्टैन हैज ग्रेट चांसेस ऑफ विनिंग द टाइटल। ओके, लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एज आई सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर लविंग मी एज राजकुमार यादव। जस्ट प्रे एंड जस्ट वी होप दैट वी आई विल सी यू सुपर सून ऑन द स्क्रीन। या All the good wishes with you. Thank you.